हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज हम आपको जो है रेगुलेटर के कनेक्शन करना बताएंगे, जो कोई प्लास्टिक का कूलर होता है जिसमें 3 स्विच दिए होते हैं। ओके, तो सभी हम कनेक्शन करना बताएंगे आपको। तो देखिए, आप देख सकते हैं पहला स्विच यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला एक तो स्विंग का होता है इसको घुमाने के लिए, ओके, हवा को। और दूसरा होता है मेन, जो कि मोटर के लिए होता है, हाई स्पीड, मीडियम स्पीड एंड लो स्पीड में। एंड एक होता है पंप के लिए, ओके, पंप को ऑन ऑफ करने के लिए, ओके। तो इन तीनों स्विच के कनेक्शन और ये मोटर वगैरह का जो भी है ना 3 स्पीड का कनेक्शन, हम कंप्लीट आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहे। तो चलिए फिर शुरू कर देते दोस्तों हमारी ये मेन मोटर है जो कि हवा देने के लिए काम करती है। दूसरा दोस्तों हमारा ये पंप है, नीचे देख सकते हैं, ये वाटर के लिए काम करेगा, वाटर उठाने के लिए। और ये हमारा स्विंग मोटर जो कि इसको जाली को इसको हिलाने में काम आएगा, ठीक है। तो हवा को हम ऐसे लेफ्ट राइट करने के लिए यूज़ में इसको लेते हैं। तो 2 तार इस मोटर के हैं, 4 तार इस मोटर के हैं, 2 तार इस मोटर के हैं, और ये हमारा जो मेन केबल होता है जिसको हम पावर बोर्ड में देते हैं, 2 तार इसके हैं। तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं कनेक्शन की तरफ दोस्तों। अब जल्दी से आपका टाइम ख़राब ना करते हुए अपना काम शुरू कर देते हैं। देख सकते हैं अब हम ये जो स्विच हैं इसको जो है ऐसे रख लेते हैं, ओके। और इस स्विच में आपको एक चीज़ दिखानी होगी, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो स्विच है ये 3 स्पीड के लिए यूज़ होता है 4 पिन का, ओके। ये हमारी बीच की मोटर जो मेन मोटर है कूलर की हवा देने वाली, उसमें यूज होगा। और ये दो पिन के जो हैं इसको किसी को भी आप पंप में यूज़ कर सकते हैं, किसी को भी जो स्विंग के लिए है, ठीक है। ये स्विंग के लिए है, ये पंप के लिए है, और ये मेन मोटर के लिए है, ठीक है। तो चलिए सभी के कनेक्शन कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ बताना चाहता था, हर इसमें जो है क्या हो गई पिन होती हैं, कौन सी पिन, L, इस पर L लिखा है, इस पिन पे भी L लिखा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो फोकस करने पे। और इस हर स्विच की एक पिन पे, चाहे 4 का हो, 2 का हो, 3 का हो, सभी पे एक L लिखा हुआ। L का मतलब एक कॉमन पॉइंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कॉमन पॉइंट है इस पर हम एक वायर बांध लेंगे, वायर। तो हम एक सिंपल वायर लेते हैं और तीनों पॉइंट पर बांध लेते हैं, 1, 2, 3। दोस्तों मैं थोड़ा पतला वायर ले लेता हूँ ताकि इसमें आराम से चला जाए, ठीक है। तो पहले कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो LL वाली जो पिन है ना, ये जो कॉमन पिन है, इसके ऊपर हम तार को जोड़ते हैं सबसे पहले। फिर इसी वायर को ले जा कर के हम कहाँ पे जोड़ेंगे, जो दूसरी वाली तार है, दूसरी वाली L की पिन है, उसके ऊपर जोड़ेंगे, ठीक है। और इसी को हम अगली वाली से भी कनेक्ट करेंगे। तो एक तार का टुकड़ा और ले लेते हैं, ओके, और दोनों को एक साथ करके जॉइंट देते हैं। और ये जॉइंट जो है आपको अच्छे से देना है ताकि ये लूज वगैरह ना हो। तो जल्दी से इसको हम जो है जोड़ लेते हैं। तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है तो आपको कम्प्लीटली चीज़ें समझ में आ जाएगी, कम्प्लीट कनेक्शन वायरिंग समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब इस तार को हम कहाँ जोड़ेंगे, अगले वाले के L में पॉइंट में जोड़ देंगे। तो हमने तीनों स्विच की जो L की पिन है उसको कनेक्ट कर लिया है, मतलब तीनों रेगुलेटर की, 1, 2, 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब दोस्तों हमने एक तार कनेक्ट किया है, अब यहाँ पे तार आप देख सकते हैं, ये 2 तार है जो स्विंग के लिए हैं, ठीक है, जो स्विंग वाली छोटी सी मोटर होती है उसके लिए है, ओके। और आप ये 2 वायर देख रहे हैं, देख सकते हैं, ये वाली, ये हमारे पंप की है, पानी वाले पंप की। और ये जो है ये मेन केबल है हमारी जो पावर बोर्ड में जाती है, इसके 2 तार हैं। और ये 4 तार हमारे जो है मेन मोटर के हैं जो कि हवा के लिए हैं, एक इसमें नीला जो है कॉमन है, ओके, और ये स्पीड के लिए, 3 स्पीड के लिए, ओके। तो चलिए इनका कनेक्शन देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको क्या करना है, जो हमारी मेन केबल आ रही है ना, मेन केबल, उसका हमको ब्लैक तार ले लेना है, लाल भी ले सकते हैं, तो हम ब्लैक ले लेते हैं। तो मेन केबल का हमने एक तार पकड़ना है, ब्लैक पकड़ लिया। अब हमको क्या करना है, एक तार स्विंग वाली का लेना है, तो स्विंग वाली में 2 तार हैं, एक ले लेते हैं और ब्लैक के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारी जो मेन केबल आ रही है उसका ब्लैक तार एक स्विंग वाली के, एक के साथ जोड़ दिया। अब हमारे पास पंप के 2 तार हैं, पंप वाली मोटर की ये 2 तार हैं, तो इसमें से एक तार ले लेते हैं और इसी के साथ जोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये ब्लैक के साथ जो मेन केबल का ब्लैक है उसी के साथ हम जोड़ देंगे। उसके बाद देख सकते हैं
हमारे पास चार तार जो कि हमारी मेन हवा वाली मोटर की है उसमें से हम नीला तार पकड़ेंगे और इसी के साथ हम जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं और ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा कॉमन वायर बन गया है और इस पर हम टेप मार देंगे बाद में, ठीक है। अब हमारे पास जो बचे हैं तार देख सकते हैं, एक तो हमारा ये मेन तार है, ओके। ये मेन तार कहाँ पे जुड़ेगा, ये मेन तार यानी कि हमारा जो कि पावर बोर्ड से आता है, बिजली के बोर्ड से आता है ये वाला, तो ये हमको वहीं जोड़ना है, इस वाली पिन में जोड़ना है। यहाँ पे जो हमने कनेक्ट किया ना ये तीनों पिन एल, इसी के साथ हमको इसको ज्वाइंट देना है, ठीक है। तो कहीं भी ज्वाइंट दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, वही करंट है, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी। तो हम यहीं पर कर लेते हैं, थोड़ा नज़दीक पड़ रहा है तो हम यहीं पर जोड़ देते हैं इसको। तो देख सकते हैं हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, इसका डायग्राम की वीडियो भी अपलोड करेंगे और लास्ट में भी आपको डायग्राम दिखा देंगे इसका, ठीक है। तो हमारी मेन केबल का एक तो कॉमन बन गया, एक हमारा यहाँ पे जुड़ गया है, ठीक है। अब हमारे तीन पिन की, तीन जो हमारे रेगुलेटर उसकी पिनें बची हैं। अब हमारे पास एक स्विंग मोटर का तो हमने पहले जोड़ दिया था, एक हमारे पास ये पीला तार बचा है, तो इसको हम स्विंग वाले बटन से जोड़ेंगे। तो स्विंग का बटन हम ये वाला बनाएंगे, इसको भी आप बना सकते हो लेकिन ये वाला बनाएंगे तो इसमें हम जोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक पंप का तार बचा है और ये पंप का तार हम कहाँ जोड़ेंगे, पंप वाले बटन में। तो ये पंप का बटन है तो इसकी बची हुई इस पिन में हम जोड़ देंगे। देख सकते हैं अब हमारे पास क्या बचे हैं, तीन तार बचे हमारी मेन मोटर के, लाल, काला और सफ़ेद, रेड, ब्लैक, वाइट, ओके। ये तीन तार हम इन तीन पिनों में जोड़ेंगे, एक, दो, तीन। तो इसको स्पीड के हिसाब से जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम रेड तार जोड़ेंगे एक नंबर पिन में, तो इस पे लिखा हुआ है एक नंबर पिन, तो एक नंबर के साथ हम इसको रेड तार को ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। वो आपकी मोटर से किस तरह से स्पीड बनी हुई है वो उस पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको रेड तार जो है एक नंबर पिन में जोड़ देना है, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर ये तार उल्टे सुलटे भी लग गए ना, तीनों तार तीनों पिन में जुड़ने चाहिए, तीनों तार उल्टे सुलटे भी हो गए ना तो कोई दिक्कत ऐसा नहीं होगा। बस आपको क्या है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पीड मिल सकती है, ठीक है। दूसरे नंबर की पिन पे हम वाइट तार जोड़ेंगे, ये सेकंड, ये जो है मीडियम स्पीड के लिए होता है, ठीक है। जो हमारा रेड है देख सकते हैं वो लो स्पीड के लिए है, और ये हमारा जो है मीडियम स्पीड के लिए है वाइट, ओके। और एक स्लो स्पीड के लिए हमारा ब्लैक है, तो ब्लैक बचा है तो ब्लैक हम यहाँ पे जोड़ देंगे इसमें, इस वाले में। ठीक है, और जो हमारा ये ज्वाइंट था ये वाला इधर का कॉमन था, इस पर हम क्या कर देंगे, टेप मार देंगे। तो ये हमारे प्लास्टिक वाले कूलर के कंप्लीट कनेक्शन हो चुके हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।